हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीटीसी या डीएलएल चतुर्थ सेमेस्टर। चतुर्थ सेमेस्टर इसके अंतर्गत हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत शांति शिक्षा एवं सतत विकास की पुस्तक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं तनाव को। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तनाव को दूर करने के उपाय। दूर करने के उपाय, अभी कल ही आप लोग टेलीविज़न में देखे होंगे कि एक सुशांत सिंह राजपूत नाम का अभिनेता था, वह आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। तो अभी वजह पता नहीं चली, लेकिन सारे साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक यही आशा कर रहे हैं कि उसको टेंशन रहा होगा, स्ट्रेस रहा होगा, तनाव रहा होगा, इसलिए उसने यह कदम उठाया है। तो तनाव जो होता है बड़ी भयंकर भयंकर प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ता है। तो उसका प्रभाव हम लोग कल देखें कि इस तनाव से, आइए पढ़ते हैं इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है। नंबर एक, तनाव के कारणों को जानना। तनाव का विश्लेषण करना। नंबर तीन, तनाव को दूर करने का उपाय ढूंढना। नंबर चार, शांत रहना। नंबर पाँच, सामंजस्य स्थापित करना। नंबर छः, अपनी बातों को दूसरों से कहना। नंबर सात, नकारात्मक दृष्टिकोण दूर करना। नंबर आठ, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अब इधर लिख दे रहे हैं नंबर नौ, दूसरों का सहयोग करना। नंबर दस, सबसे मिलजुल कर रहना। नंबर ग्यारह, उपदेशात्मक साहित्य का अध्ययन करना। नंबर बारह, शारीरिक व्यायाम करना। ये सारी विषय वस्तुएं हैं, ये सारे बिंदु हैं जिसे हम अपना करके स्ट्रेस या टेंशन को दूर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहली बात टेंशन या स्ट्रेस के कारणों को क्या करेंगे, हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो टेंशन आ गया है, जो स्ट्रेस आ गया है, उसके कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिसके कारण हमें स्ट्रेस या टेंशन आ गया। दूसरी बात,
उन कारणों का जो तनाव हमारे अंदर आ गया है, तो किस प्रकार का तनाव है और कौन कौन से कारण हैं, उनको विश्लेषित करेंगे, व्याख्यायित करेंगे कि किस प्रकार का हमारे अंदर तनाव आया हुआ है। तीसरा है तनाव को दूर करने का उपाय ढूंढना। जो हमारे कारण मिल गए, हमने विश्लेषण कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इन कारणों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न करने से पहले उनका क्या करेंगे, समाधान ढूंढेंगे कि किस प्रकार से इनको समाप्त किया जा सकता है। ये तीन पॉइंट हो गए कि तनाव के कारणों को हम जानें कि किस कारण से हमें स्ट्रेस या टेंशन हुई है। दूसरे, तनाव का विश्लेषण करें, उसको व्याख्यायित करें या कारणों को व्याख्यायित करें। तीसरा, तनाव को दूर करने का उस कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है, इसका कोई हल ढूंढें, तरीका ढूंढें। इसके अलावा शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें। कहने का मतलब ज़्यादा ना बोलें, तो कहने का मतलब है बिल्कुल शांत ना रहें, बल्कि उस समस्या के समाधान के लिए चिंतन के प्रति शांत रहें। इसके अलावा सामंजस्य स्थापित करें कि हमारा मन भटक रहा है, हम अशांत हो गए हैं, कहीं नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें, परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने की कोशिश करें। छठवां है अपनी बातों को दूसरों से कहना, अर्थात हमारे मन में जो हलचल उठी हुई है, मन में जो पीड़ा उठी हुई है, मन में जो टेंशन है, जो टेंशन है वो क्या करें, दूसरों से बताएं। इससे क्या होगा, टेंशन थोड़ा हल्का होगा, भार हमारा हल्का होगा और हम उसे आसानी से दूर कर सकते हैं दूसरों से कह करके। सातवां है नकारात्मक दृष्टिकोण दूर करना। जो हमारे अंदर नकारात्मक ईर्ष्या है, जलन है, जो दूसरों को सताना है, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, वह निश्चित रूप से उसे दूर करें, तभी हम एक कुशल नागरिक बन सकते हैं, टेंशन मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो दूसरों का सहयोग करें, मिलजुल करके रहें, दया दिखाएं, परोपकार दिखाएं, जीव हिंसा के प्रति मिलजुल करके रहें, तो ये सब क्या है, सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जिससे टेंशन को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरों का सहयोग करें, अर्थात कहने का मतलब है कि हम दूसरों के सहयोग से क्या मिलती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, तो हम दूसरे को मदद करें, दूसरों का क्या करें, सहयोग करें, ये भी तनाव दूर करने का एक उपाय है। सबसे मिलजुल कर कहें, प्रेम पूर्वक रहें, प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रहेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा उपदेशात्मक साहित्य का अध्ययन करें कि जो कोटेड साहित्य होता है, जो हमारे मंत्र के रूप में हमारे जीवन शैली को बदल देता है, उसके साहित्य का अध्ययन करें। तो साहित्य क्या करता है, वो सबका हित करता है, तो ऐसे साहित्य का अध्ययन करें जो हमारे जीवन में बदलाव ला सके, हमारे टेंशन को मुक्त कर सके। इसके अलावा क्या करें, शारीरिक व्यायाम करें, योगा करें। योगा से क्या होगा, हमारे शरीर में फुर्ती आ जाएगी, जान आ जाएगी और हम अपने शरीर को मन को एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रसन्न चित रहना। इसके अलावा हम क्या करें, प्रसन्न चित रहें, मनोरंजन करना। क्या करें, हम हमेशा खुशहाल रहें, दुखी ना रहें, प्रसन्नचित रहें, मुस्कुराते रहें, इससे हमारी क्या होगी, टेंशन हल्की हो जाएगी। और मनोरंजन करना, अर्थात अपने मन को बहलाते रहें, हमेशा मनोरंजन, जैसे कोई गाना सुनना, कोई संगीत बजाना या किसी तरह का शिल्प आर्ट बनाना, इस प्रकार की का कार्य करके हम अपनों से मनोरंजन कर सकते हैं, तो और हमारा स्ट्रेस दूर होगा। क्या कर सकते हैं, तनाव के कारणों को जानना, एक बार फिर से आते हैं, तनाव के कारणों को जानना कि हमारे अंदर तनाव के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। उसके अलावा तनाव का विश्लेषण करना, जो कारण हैं उनको हम क्या करें, व्याख्यायित करें, डिवाइड कर दें उसे कि ये कारण हैं, और फिर उसके बाद क्या करें, उन कारणों को दूर करने का उपाय ढूंढें कि ये कारण किस उपाय से, किस तरीके से, किस ढंग से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा क्या करें, हम अशांत ना रहें, शांत रहें, बिल्कुल एक तरह से चिंतन के प्रति अपने आप मन को एकत्रित कर लें।
इसके अलावा सामंजस्य स्थापित करें, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्या करें, कोशिश करें। और हमारे मन में जो हलचल है, जो हमारे मन में पीड़ा है, जो हमारे मन में टेंशन है, उसे दूसरों को बताएं। उसके अलावा क्या करें, नकारात्मक दृष्टिकोण दूर करें, जो हमारे अंदर निगेटिव प्रवृत्तियाँ हैं, जिसे हम दूसरों से जलन कर रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरों को प्रताड़ित या सताना चाह रहे हैं, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को क्या करें, हम दूर करें। इसके अलावा सकारात्मक, इसको अपना करके सकारात्मक प्रवृत्तियाँ, कैसे हम दूसरों से अच्छी प्रकार भली पूर्वक रह सकते हैं, कैसे हम दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, दूसरों से मिलजुल करके रह सकते हैं, कैसे हमारे अंदर सामाजिक भावनाएं आ सकती हैं, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अपनाएं। इसके अलावा क्या करें, जब टेंशन आए तो हम क्या करें, दूसरों का सहयोग करें, दूसरों का परोपकार करें और सबसे मिलजुल करके जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा उपदेशात्मक साहित्य का अध्ययन करें कि वह साहित्य जो हमें अच्छी बातें बताएं उसका अध्ययन करें, उसको कंठस्थ करें, उसको याद करें, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें, जिससे हमारा टेंशन क्या होगा, दूर होगा। और 12वां नंबर, शारीरिक व्यायाम करें, अर्थात करें योगा करें। योगा से क्या होता है, हमारा मन एकत्रित हो जाता है, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी सारी चिंताएं उस सांस के दास बाहर चली जाती हैं, और जब हम योगा करने लगते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन एक तरह से केंद्रित हो जाता है। इसके अलावा क्या करें, प्रसन्नचित रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, जिससे हमारा टेंशन क्या होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर दर्द भरा रहता है लेकिन हंसते रहते हैं तो वो दर्द कहीं ना कहीं हंसी से कम पड़ जाता है, इसलिए वो दबा रह जाता है, वो निकलता नहीं है और उसका शिकार हम नहीं हो पाते। चौथा है, मनोरंजन करें, अर्थात किसी प्रकार से, चाहे संगीत बजा करके, चाहे गाना सुन करके, चाहे नाच करके, किसी भी प्रकार से अपना मनोरंजन हम करते रहें, जिससे यह टेंशन क्या होगा, हमारा एक ना एक दिन दूर होगा। ओके, अगले दिन हम पढ़ेंगे अष्टांग योग पतंजलि का।